Hello my dear students, welcome back to my channel. My name is Neelakshi Singh and in my last video we have just completed the homologous and analogous organs that we covered under the tracing evolutionary relationships. And now we'll be starting with the fossils. हमने एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन टॉपिक स्टार्ट किया अपनी लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमने फर्स्ट सब पार्ट ख़त्म कर दिया विच इज़ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फॉसिल पोर्शन. नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? अभी हम फॉसिल्स की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम तो एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट? सो एवोल्यूशन में हम पहचानेंगे एंसेस्टर्स के बारे में. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स किससे इवॉल्व हुई हैं, दिस इज़ वॉट वी स्टडी अंडर एवोल्यूशन, राइट? सो उसमें हम फॉसिल्स की कैसे हेल्प ले सकते हैं? अब फॉसिल स्टडी हम ना तो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म की कर सकते हैं जो आज भी जिंदा है, जबकि हम उन ऑर्गेनिज़म्स की भी कर सकते हैं जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. कैसे? First of all, let us know about the definition of fossils. Fossils are basically the preserved traces of living organisms. This is the definition, preserved traces of living organisms. Preserved means जो बचे हुए हैं, okay? Living organisms की कुछ वो traces means कुछ parts of those living organisms which are still preserved, okay? अब उनको preserve किसने किया, कैसे किया, नेचुरली हुए या कैसे हुए, दैट वी आर गोइंग टू नो नाउ. अभी होता क्या है, जब फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, लेट अस टॉक अबाउट एनी इंसेक्ट. अभी कोई इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ओके, वो मर गया. अब उसके बाद होगा क्या, जो उसकी डेड बॉडी होएगी वो एकदम से तो बरी अपने आप नहीं हो जाएगी. नेचुरली डेथ्स होती हैं जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम उनको कहीं ग्रेवयार्ड में तो नहीं जाते हैं ना उनके लिए. तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ उनकी डेड बॉडी अपने आप इट गेट्स बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. किस तरह से होगा, इमीडिएटली ये प्रोसेस नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स, ओके? सो होता क्या है, वो इंसेक्ट की बॉडी जब एक सरफेस के ऊपर उसकी डेथ हो गई, अर्थ सरफेस के ऊपर, सपोज वहाँ पे मिट्टी थी, डस्ट थी, मड थी, तो अब उस मड के ऊपर क्या होगा, कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, धूप लगेगी, बारिश भी हो सकती है. सो वो क्या होगा, वो मड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद वो हार्ड हो जाती है, दैट मड गेट्स हार्डन. वो मर्ड उसके ऊपर और लेयर्स आ जाती हैं. वो होता क्या, हार्ड होने के बाद वो जो इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट्स थे उसका इम्प्रेशन आ जाता है मर्ड के ऊपर, ओके? मींस मर्ड के ऊपर, जब मर्ड उसके ऊपर इंसेक्ट की डेथ हो गई, उसके ऊपर कुछ कुछ टाइम बाद वो वहीं पड़ी रही उसकी बॉडी, उसके ऊपर मर्ड आ गई, बहुत ज़्यादा डस्ट आती गई, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण मर्ड का मर्ड हार्ड होनी स्टार्ट हो गई, एंड ड्यू टू विच द इंसेक्ट दैट वॉज ऑलरेडी अंडर दैट मड, अंडर दैट सरफेस, हुआ क्या, उसके जो इम्प्रेशंस थे वो मड के ऊपर आ गए, ओके? अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद हमें उस वो मड दैट विल इवेंचुअली टेम्परेचर कंडीशंस, रेनफॉल इन सब चीज़ों की वजह से धीरे 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 वो और हार्ड हो जाती है, उसके बाद वो उसके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं. अभी होता क्या है, हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, मीन्स हम किस तरह से डिटर्मिन करेंगे कि कोई फॉसिल कितना पुराना है या कितना नया है, ओके? सो उसके हमारे पास टू मेथड्स हैं, आउट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज रिलेटिव मेथड. मीन्स अगर एक लेवल है, एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक ये सरफेस है, दिस वन, एक ये ग्रीन वाला सरफेस है, दिस इज द ब्लैक वन, राइट? अब कैसे पता चलेगा कि ग्रीन सरफेस के ऊपर किसी की डेथ हुई, अगर कोई ग्रीन सरफेस पे हमें फॉसिल मिला और एक सरफेस हमें ब्लैक सरफेस पे फॉसिल मिला, राइट? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉसिल, कौन सा फॉसिल पुराना है और कौन सा फॉसिल फ्रेश है, ओके? सो अभी जब ऊपर ऊपर है, ऑब्वियसली जब हम मिट्टी खोदते गए, ओके, उसको मिट्टी को वी डिग द क्रस्ट, लेयर्स वी आर डिगिंग कंटिन्यूसली, तो जब से सबसे ऊपर मिलेगा, यस, वो सबसे नया होगा, राइट? जिसकी सबसे अभी रिसेंट वाला. जैसे जैसे हम नीचे लेयर्स जाते जाएंगे, फिर ब्लैक वाली लेयर आएगी, वहाँ पे जो मिलेगा वो और पुराना, फिर उसके नीचे वाली लेयर्स पे और पुराने फॉसिल्स. इसको बोलते हैं कि हम फॉसिल की एज किस तरह से डिटर्मिन कर रहे हैं, मीन्स हम उसकी लेयर्स, यानी कि उसका रिलेटिव मेथड, कि वो फॉसिल कितना पुराना है, मीन्स उसकी एज वी आर गोइंग टू डिटर्मिन इन दोनों मेथड से, ओके?
Okay, the second one is detecting the ratios of different isotopes. Means, जो isotopes होते हैं, which have same atomic number but different mass number, right? So, उनके हम किस तरह से ratios उसके detect करते हैं different isotopes के, and this is the second method. Okay, so now this is what fossil study is, relative method, and this the second one, detecting the ratio of with different isotopes, various isotopes. Now, take 1 minute and note it down, then we'll continue with the same topic. So yes, I hope you have noted down. Now, starting with the next example. अभी इसमें क्या है, इस picture में I am trying to show you that how the different organisms they die and they get buried inside the earth's crust and how do we find them. Okay, the first one here, invertebrates. Invertebrates, they are the very small creatures. जो vertebrates नहीं है, जिनकी backbone it is not there, right? So under sea bed, ओके वहाँ पे होता क्या है, सी के अंदर इन द सी बेड वो उनकी डेथ हो जाती है. अब उनको तो वो तो बाहर नहीं आते हैं ना, राइट? सो इनवर्टिब्रेट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट अंडर द सी. ओके सो यही है, उनकी डेथ हो गई एंड इनवर्टिब्रेट्स आर हियर, दीज आर डेड. ओके, डेड रिमेन्स. नाउ अभी हुआ क्या, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स उनकी लेयर्स ऊपर बनती गई एंड रॉक्स दे वर फॉर्म्ड. एंड वहाँ पे अभी रॉक्स बनने से पहले हुआ क्या, कुछ डायनासोर्स जो थे, कुछ उन लेयर्स के, उनकी डेथ हो गई, तो उनके ऊपर और वो डेड बॉडीज़ उनकी डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो गई. एंड उनके ऊपर और डस्ट एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने से, रेनफॉल के साथ, मतलब वो सब कुछ इकट्ठा हो के रॉक्स वर फॉर्म्ड. ओके, उनके यहाँ पे रॉक्स बन गए हैं, ये दिस वन एंड दिस वन. हुआ क्या, डायनासोर्स के ऊपर एक और लेयर में हॉर्स लाइक क्रीचर्स, उनकी डेथ हुई तो वो वहाँ पड़े हैं, उसके ऊपर और रॉक्स की लेयर्स फॉर्म हो गई हैं. ओके सो लेयर बाय लेयर किस तरह से आप देख रहे हो, द ऑर्गेनिजम्स दे आर डाइंग एंड दे आर प्लेस्ड लाइक अबव ईच अदर, इनवर्टिब्रेट्स एंड डायनासोर्स एंड हॉर्स. ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में होंगे. ओके, जैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी वो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी, वो बरी है वहीं पे. उसके ऊपर जब कि जिस तरह से विद टाइम आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, दिस इज आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस प्रोसेस इज हैपनिंग. ओके सो कुछ कई साल बाद होता क्या है, इतने सारे टेम्परेचर चेंजेस, रेनफॉल एंड टू, मतलब इतने सारे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इनकी जो बॉडीज़ हैं वहीं डीप डाउन बरी होती जाती हैं. ओके अभी होगा क्या, सपोज हम फॉसिल स्टडी करने गए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू डिग. ओके, हम डिग कर रहे हैं तो होगा क्या, सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड द हॉर्स लाइक क्रीचर्स, मींस द अर्लीस्ट वंस, जो अभी जिनकी सबसे बाद में डेथ हुई है. ओके मींस सबसे अर्ली हमें जो मिले हैं वो हैं जिनकी सबसे लेट डेथ हुई थी, राइट? तो ये वो हैं. ऑल डिग किया, उसके अंदर वी फाउंड डायनासोर्स. ओके, हियर इनसाइड द इन द रॉक्स एंड we first of all we found horse like creatures, then again after digging we found dinosaurs, then again after digging we found invertebrates. Okay, means dead remains. So this is how we are going to know about fossils, ki kaun sa fossil kitna purana hai, kis tarah se ek dusre se related hai. Okay, so this is all about fossil study, jisme humne padha ki do methods se isko, relative method aur isotopic method se hum isko determine kar sakte hain fossils ki age, कि वो कितने पुराने हैं. दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स, दिस मेथड्स आर फॉर प्लांट्स एज वेल. ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज एज वेल. ओके, नेक्स्ट वी डिड एन एग्जाम्पल विच इंक्लूडेड इनवर्टिब्रेट्स, डायनासोर्स एंड सम हॉर्स लाइक क्रीचर्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स. हाउ, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनती गई रॉक्स की और वो अंदर ही अंदर डीप डाउन बरी होते गए एंड उनके फॉसिल्स दे वर फॉर्म्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Thank you so much everyone, hope you are liking my videos. If yes, please like, comment and subscribe.